हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल कुमार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे बहुत ही कॉमन डेंगू फीवर के बारे में, साथ में जानेंगे दोस्तों इसके कारण, लक्षण और बहुत ही इफेक्टिव असरदार होम्योपैथी दवाइयाँ बताऊँगा जिससे आप इजिली डेंगू फीवर से बच सकते हैं। आप डेंगू फीवर को बहुत ही अच्छे से ठीक भी कर सकते हैं। साथ में मैं कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताऊँगा जिससे आप करेंगे तो आप डेंगू फीवर को अवॉइड कर सकते हैं। आप बहुत ही इजीली इस प्रोसेस को फॉलो करिएगा तो आप डेंगू से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं वो बहुत ही सिम्टोमेटिकली डेंगू के जो लक्षण होते हैं उसको ठीक करने में बहुत ही सक्षम होती है। और डेंगू एक तरह से देखा जाए तो दोस्तों एक ये वायरल डिजीज होता है। दोस्तों डेंगू सीवियर तब हो जाता है, इसमें बहुत सारे पेशेंट में देखा गया कि पेशेंट का WBC लोअर साइड पे आने लगे या उनके प्लेटलेट में बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखी जाए, तो इससे क्या होता है, इंटरनल बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होने का खतरा बढ़ जाता है और पेशेंट को बहुत तरह से सीवियर चांसेस हो जाते हैं कि डेंगू फीवर उनको बहुत ही नुकसान पहुँचाते। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं जो होम्योपैथी की असरदार इफेक्टिव दवाइयाँ बता रहा हूँ, आप निश्चित तौर से आप इसका यूज़ करिएगा और इसके इफ़ेक्ट से आप बच सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं डेंगू के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत इजीली मिलता रहे, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि डेंगू वायरस होता क्या है, डेंगू होता क्या। दोस्तों डेंगू एक तरह का वायरल डिजीज़ है जो बहुत ही ईजिली सेपरेट हो जाता है एडिस स्पीसीज जो इन्फेक्टेड मस्क्यूटो के ऊपर होता है, और उसके जो बाइट होने के बाद अगर किसी पेशेंट को बाइट कर लेता है वो मस्क्यूटो, इन्फेक्टेड मस्क्यूटो, तो पेशेंट ईजिली डेंगू वायरस से वो ग्रसित हो जाता है और इस कारण उसको बहुत तरह के ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं और सिम्टम्स आने में लगभग आपको 3 to 5 days लग जाता है। तो दोस्तों जो मेन कॉमन इसमें देखा जाए, सबसे बड़ी बात हमें क्या ध्यान रखनी होती है, जो ये एडिस स्पीसीज होते हैं जो इन्फेक्टिव मस्क्यूटो के बाइट करने से होता है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है, जो आसपास का जो वातावरण है उसमें किसी तरह से पानी का जल जमाव ना रखें, क्योंकि जो जो ये मस्क्यूटो होता है दोस्तों वो ईजिली नॉर्मल वाटर में, ये साफ पानी में भी बहुत ही अपने ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। और इससे क्या होता है कि ईजिली अगर मच्छर के बाइट करने से इस तरह का वायरस अगर बॉडी को अफेक्ट कर रहा तो आप इस तरह से कहीं भी पानी जमने ना दें। इसके साथ साथ दोस्तों आप मस्कीटो नेट का भी यूज़ ज़्यादा करें, क्योंकि अगर आपको मस्कीटो बाइट नहीं करेगा तो डेंगू होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आप डेंगू से बचने के लिए टाइम टू टाइम अपने आसपास के एरिया में साफ सफाई का ध्यान रखें, इससे भी बहुत ही आसानी से हम जो मस्क्यूटो हो उनको हम पनपने ही ना दें, हम उनके जड़ को ही ख़त्म कर दें तो डेंगू होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। लगभग वर्ल्ड के आधे पॉपुलेशन रिस्क फैक्टर वाले एरिया में रहते हैं जहाँ पर डेंगू खतरा ज़्यादा बना रहता है। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए डेंगू एक तरह से बहुत ही घातक सिद्ध होता है जब पेशेंट इसके सीवियरिटी की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों हम सबसे बड़ी बात है कि हमको इसमें मस्क्यूटो बाइट से बचना रहेगा दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम मस्क्यूटो नेट का यूज़ करेंगे, उससे हम बचेंगे, अपने आसपास का माहौल को साफ सुथरा रखेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे एंटी मस्क्यूटो लोशंस भी आते हैं, उसको हम लगा के घूम सकते हैं, फुल स्लीव्स का हम कपड़ा पहन सकते हैं जिससे ईजिली हमको मच्छरों से बचा जा सके। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग हमेशा अपने इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को बरकरार रखने के लिए अच्छे डाइट का सेवन करें, क्योंकि जब हमारा डाइट बहुत अच्छा रहेगा तो किसी तरह से हमारे इम्यून सिस्टम पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और हम बहुत सारे ऐसे बीमारियों से बच सकते हैं जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम अगर मजबूत है तो वैसे भी हम बहुत सारे बीमारियों को ईजिली मात दे सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि जो डेंगू वायरस के जो सिम्टम्स होते हैं इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे पेशेंट के अंदर,
दोस्तों जो पेन होता है दोस्तों, समटाइम किसी पेशेंट में उनके पेट में दर्द हो सकता है, उनके बैक में पेन हो सकता है, साथ में इसमें देखा गया है ज्वाइंट्स और बोन पेन्स इसकी खासियत होती है। ज्वाइंट्स और बोन्स में बहुत ही ज्यादा पेन होती है और मसल्स के अंदर भी बहुत ही ज्यादा पेन होती है। सीवियर पेन अपने हमारे ज्वाइंट्स के अंदर, हमारे बोन्स के अंदर होने की समस्या हो जाती है, जिससे पेशेंट को बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। दोस्तों बात करें अगर इसकी हमारे पूरे बॉडी पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों देखा गया पेशेंट को बहुत ही ज्यादा चिल फील हो रहता है, बहुत ही ज्यादा उसको ठंड लगने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों पेशेंट को बहुत ही हाई लेवल का फीवर हो जाता है, उसके जो भूख लगने की क्षमता है, भूख खाने का उसका मन बिल्कुल ही बंद हो जाता है, बिल्कुल ही नहीं करता खाने का, कुछ भी वो खाता है तो वो उसको नौजिया वॉमिटिंग की समस्या रहती है। ऐसा मानो कि खाने के बाद उसको उल्टी वाली फीलिंग आ जाए या उल्टी हो भी सकती है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों मोस्ट ऑफ द पेशेंट में देखा गया है कि जब उनके बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा हेडेक और शरीर में बहुत ही ज़्यादा बेचैनी की समस्या, और इसमें मोस्ट कॉमन देखा गया कि पेशेंट बहुत ही अपने आप को फैटिग महसूस करता है, बहुत ही थका थका रहता है, जिससे शरीर धीरे 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 कमजोर होने लगता है। और जो हमारे जो भूख नहीं लगने का जो कारण क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो हमारे एक्टिव सेल्स बनने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि डाइट बहुत ही मेजर पार्ट कर रोल प्ले करता है किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए, अगर हमारा डाइट वाला पार्ट सही ना रहे। दोस्तों अब हम जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि डेंगू के लिए हम कौन सी बहुत ही असरदार और इफेक्टिव होम्योपैथिक दवाओं का यूज़ करें। दोस्तों डेंगू ट्रीटमेंट के लिए मैंने बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है जो बहुत ही इफेक्टिव है। वैसे ही क्योंकि होम्योपैथिक अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, तो थ्योरेटिकली देखा जाए कि हम किस तरह से डेंगू के जो हम जो लक्षण हैं उसके साथ साथ दोस्तों जो हमारे प्लेटलेट कम होते हैं, मेन जो पार्ट होता है इसमें जो हमारा लो प्लेटलेट की समस्या होती है जिसके कारण एक्सटर्नल इंटरनल ब्लीडिंग होने की समस्या बढ़ जाती है, उन समस्याओं को हम कैसे रोकें और प्लेटलेट को बहुत ही आसानी से हम कैसे इंप्रूव कर ले, तो जानते हैं दोस्तों होम्योपैथी की बहुत ही असरदार दवाओं के बारे में। दोस्तों जो पहली मेडिसिन इसमें रहेगी दोस्तों वो है डेंगमा। लॉर्ड्स कंपनी की डेंगमा जो सिरप है दोस्तों वाकई में बहुत ही असरदार है। लगभग इसको दोस्तों मैं 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, अपने पेशेंट को दे रहा हूँ। डेंगमा सिरप का जो मेन काम है दोस्तों, ये हमारे बॉडी में जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही अच्छे से बूस्ट करता है और नए सेल बनाने में बहुत ही मदद करता है, क्योंकि इसमें होम्योपैथी की बहुत ही असरदार और इफेक्टिव दवाइयाँ हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए बहुत ही बेटर है। और डेंगमा एज ए प्रोफाइलेक्टिक यूज में डेंगू के वायरस को रोकने में काफ़ी मदद करता है, तो डेंगमा सिरप जो है बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। जो डेंगमा सिरप आपको लेनी रहेगी दोस्तों, अगर आप एडल्ट हैं तो आपको इसकी 1 टेबल स्पून सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जरूर लें। साथ में अगर ये बच्चे ले रहे हैं, पेरेंट्स अगर बच्चे को देना चाह रहे हैं, तो इसकी जो एडल्ट डोज है उसकी हाफ डोज आपको कर लेनी है, मतलब आधे चम्मच बच्चे को आप दे सकते हैं सुबह दोपहर शाम। साथ में दोस्तों जो इसमें दूसरी इस कॉम्बिनेशन के अंदर जो मेडिसिन रहेगी दोस्तों है लिबोडेक्स। हैसलैब कंपनी का है दोस्तों लिबोडेक्स सिरप, जो बहुत ही असरदार है हमारे जो लीवर में जो नए नए सेल बनते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द देखा गया है कि जब भी हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स या WBCs कम होते हैं तो हमारे लीवर पे उसका इफेक्ट पड़ने लगता है। बहुत सारे केसेस में मैंने देखे कि बहुत सारे पेशेंट के जब हम CBC का टेस्ट कराते हैं उसमें लो प्लेटलेट आए, WBC लो आए। इसके साथ साथ दोस्तों जरूरी से हम पेशेंट का लीवर टेस्ट भी कराते हैं, उसमें देखा गया है कि मोस्ट प्रोबेबली जो पेशेंट का OTPT है वो हाई हो जाता है। तो लिबोटेक्स सिरप का काम है, क्योंकि होम्योपैथी की इसमें भी लीवर की बहुत सारी इफेक्टिव दवाइयां हैं जिससे आप बहुत ही आसानी से इस तरह के कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों जो लिबोटेक्स लेने का तरीका रहेगा, इसको आप 2 टाइम लेनी है सुबह शाम, सुबह 1 चम्मच और 1 चम्मच शाम को, और जो बच्चों के लिए डोज रहेगी एडल्ट डोज के आधे। इसके साथ साथ दोस्तों जो इसमें तीसरी दवाई है उसमें मैंने एक बहुत ही असरदार मर्डर टिंचर कॉम्बिनेशन बनाया हुआ, जिसमें जो पहली मर्डर टिंचर है दोस्तों है कैरिका पपाया मर्डर टिंचर, दूसरी दो मर्डर टिंचर दोस्तों है टीनोसपेरा मर्डर टिंचर। दोनों मर्डर टिंचर को आपको क्या करने हैं दोस्तों, क्योंकि जो कैरिका पपाया और टीनोसपेरा, कैरिका पपाया
आपको पता है क्या, इससे नाम से ही फील हो रहा है कि ये पपीते से रिलेटेड। और ये जब होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर आते हैं तो इसका उपयोग बहुत ही इन केस में हमारे इम्यून सिस्टम को ब्रॉडली ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो दोस्तों आपको इस दोनों मदर टिंचर को 5-5 बूंदे 3 चम्मच पानी के साथ सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, या इसको अगर सीवियरिटी बहुत है, पेशेंट बहुत ज़्यादा इस तरह से वीक फील कर रहा हो, ज़्यादा एक्यूट कर, उसमें आप इसको 4 टाइम भी ले सकते हैं, बहुत ही असरदार रिजल्ट रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी डाइल्यूशन के बारे में। देखिए जब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, ये तो आपको लेनी ही लेनी है, मोस्ट आपको ठीक करना है अगर डेंगू, और अपने सिस्टम को, अपने प्लेटलेट को जल्दी इंक्रीज करना है, तो जो मैंने ऊपर मेडिसिन बताई आप इसको जरूर लें। साथ में सिम्टोमेटिकली जो प्रिवेंट में जो पेशेंट के सिम्टम दिख रहे, जो लक्षण दिख रहे, उसके हिसाब से होम्योपैथी की डाइल्यूशन बहुत ही इफेक्टिव रहेगी। जो इसमें पहली डाइल्यूशन रहेगी दोस्तों, वो लगभग जो लोग अगर सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो आपको मोस्ट प्रोबेबली पता होगा कि बहुत जगह आपने इसका नाम सुना होगा, वो है एपिटोरियम पर्फ। ये खासकर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, डेंगू के लिए मेडिसिन नहीं होती, उसमें जो सिम्टम्स होते हैं उसको ठीक करने में काफ़ी मदद करती है, क्योंकि डेंगू के पेशेंट के अंदर जो पेन होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होता है, सीवियर पेन होता है, बोन तक जाता है, और इतनी सीवियरिटी होती है एपिटोरियम मेडिसिन के अंदर भी। तो दोस्तों फीवर के साथ साथ अगर पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पेन हो, ठंडा लगे, इस तरह की समस्या हो, तो आप एपिटोरियम पर्फ 200 पोटेंसी में 3 टाइम लीजिए दोस्तों, सुबह दोपहर शाम, डायरेक्ट 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पे लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। इसके साथ साथ जो दूसरी डाइल्यूशन लेनी है दोस्तों, वो है सिंकोना ऑफिसनेलिस, जिसको हम चाइना भी कहते हैं, इसको भी दोस्तों आपको 200 पोटेंसी में लेनी है। इसमें खास बात यह है कि इसमें जो फीवर होगा दोस्तों वो रिपीटेड होगा, और जिस टाइम पे आता पेशेंट को फीवर उसी टाइम पे सेम डे भी हो सकता है, या कह ले अगले दिन उसी टाइम पे फिर से फीवर आना। इसके साथ साथ दोस्तों बॉडी के अंदर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं फीवर के बाद। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें चिलनेस बहुत ही ज़्यादा होती है, पेशेंट बहुत ही ज़्यादा ठंड महसूस करता है। इसके साथ साथ दोस्तों जो फीवर के सारे स्टेज होते हैं दोस्तों, वो भी स्टेज बहुत ही मार्क्ड होते हैं, आपको फील होगा कि ये आपका चिल स्टेज है, ये हीट स्टेज है, और ये पसीने वाला स्टेज है, क्योंकि इसमें जो पेशेंट को जो तीनों जो स्टेज होते हैं फीवर के, सारे स्टेज आपको एकदम दिखेंगे। तो आप सिंकोना ऑफिसनेलिस 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार लीजिए, और अगर केस बहुत ही एक्यूट है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा सीवियर है, तो आप इसको 3 बार भी ले सकते हैं, 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पे लीजिए, बहुत ही असरदार रहेगी दोस्तों। बहुत सारी होम्योपैथी की दवाइयाँ उपलब्ध हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, जो डेंगू फीवर के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं उसको ठीक करने के लिए। तो जब भी आपको दवाइयाँ लेनी है, जो मैंने आपको ये जो डाइल्यूशन बताई, या जो मैंने मदर टिंचर कॉम्बिनेशन बताया, जो ऊपर जो हेस्लैब का लिवोटैक्स बताया, डेंगवा सीरप बताया, ये कॉमनली मैंने अपने पेशेंट को यूज़ किया है, और इसका इफेक्ट मैं क्योंकि हर एक ईयर में देख रहा हूँ कि जिस पेशेंट को, बहुत सारे लोग ड्रिप पेशेंट ड्रिप लगवा के आते हैं, उसके बाद भी उनका कोई चीज़ ठीक नहीं हो पाता, बट इन सब चीज़ों से पेशेंट को प्लेटलेट में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाती है, उनके WBCs बहुत नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसलिए आप इसको ले सकते हैं, और इसके साथ साथ एक खास ध्यान रखना है दोस्तों आपको, कि आप अपने हमेशा किसी नज़दीकी डॉक्टर के सलाह से चले, होम्योपैथिक डॉक्टर के सलाह से चलने का आपको ये फ़ायदा है कि अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप उनसे ज़रूर से ज़रूर एक बार सलाह लें और जाकर उनसे मिल सकते हैं। तो जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया बहुत ही इफेक्टिव रहेगा डेंगू के अंदर, अगर प्लेटलेट लो हो रहा है, WBCs में कमी है, या कह ले पेशेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन है, क्योंकि ये जो दोनों मेडिसिन है इपिटोरियम और सिमका, दोनों बढ़िया कवर कर लेती है फीवर के लगभग हर एक सिम्टम्स को। और इसके साथ साथ जो ऊपर मैंने आपको दवाइयाँ बताई वो भी बहुत इफेक्टिव है डेंगू फीवर को ठीक करने के लिए दोस्तों, क्योंकि होम्योपैथी का मोस्ट काम है कि हम सिम्टोमेटिकली पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने के लिए जिस तरह के पेशेंट को लक्षण होंगे उस तरह से हम इलाज करते हैं दोस्तों। एक बात का हमेशा ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि जब भी आपको डेंगू के फीवर होए, डेंगू से आपके चपेट में अगर आप आ जाएं,
एक खास बात का ध्यान रखिएगा कि आपको डाइट का जो ख्याल रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेंगू ट्रीटमेंट। आप अपने डाइट को अगर ठीक नहीं रखेंगे इन फेज के अंदर तो आप डेंगू से नहीं बच सकते दोस्तों। जो डाइट लेने का तरीका रहेगा दोस्तों, आपको इसमें पौष्टिक चीज़ें लेनी है, साथ में दोस्तों आप पपीता का सेवन करें, इसके साथ साथ नारियल पानट वाटर आपको लेनी है, आप दिन में एक बार जरूर लीजिए। लिक्विड डाइट आपको ज़्यादा लेनी है, जूस लेनी है, फ्रूट्स भी आप बहुत अच्छे से ले सकते हैं, और इस तरह का पौष्टिक भोजन करें तो इम्प्रूवमेंट और असरदार हो जाती है, इम्प्रूवमेंट बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो दोस्तों, क्योंकि YouTube पर बहुत सारी मैंने भी वीडियो देखी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि जो डेंगू के अंदर जो मैंने ट्रीटमेंट पेशेंट को जो मोस्टली मैंने दिया हुआ है, जो मैंने दवाइयाँ यूज़ की हैं जिसका इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा है, तो वो एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप हमेशा अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह पे ही रहें। वीडियो के साथ साथ आपको अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से ही रहना है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप हमसे भी कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारे आप वेबसाइट पे विजिट करें। हमारा वेबसाइट है www.drvrarogya.com, या हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू आप अपनी समस्याओं को लिखें, बहुत ही जल्दी हम इसका रिप्लाई करेंगे। साथ में अगर ज़रूरत पड़े, अगर दवाई कुरियर कराने की, अगर आप आसपास मेरे हैं तब तो कोई बात नहीं, आप मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो कोई बंदा दूर से देख रहा हो, आउट ऑफ स्टेट देख रहा हो, तो आप निश्चिंत रहिए, हमारे पास कुरियर सेवा भी उपलब्ध है। हम आपके से एक बार कंसल्ट हमसे लेने के बाद, आपकी सारी समस्या सुनने के बाद अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आप हमेशा बहुत ही अच्छे से अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।